क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ मुसाफिर? कोई चीज तुम्हें दुकान तक खींच लाई है? कोई खास चीज? तुम्हें चीजों की सही पहचान है। एलिकॉन ताबीज अब तक की सबसे रहस्यमयी और ताकतवर जादुओं में से एक है। क्या पसंद है तुम्हारी? लेकिन मुझे डर है कि ये बहुत ही खतरनाक है। क्या तुम इसे रैप करवाना चाहोगी? जो है स्ट्रॉन्ग भी शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। डरो मत नन्हे दोस्तों, ट्वाइलाइट जादू करने में बहुत होशियार है। अगर उन्हें कुछ हुआ ना ट्वाइलाइट, तो वो तुम्हारी खैर नहीं। चिंता मत करो फ्लटरशाई, एप्पल जैक और मेरे ऊपर स्नोबॉल गिरने के बाद से अब तक के बीच उसका जादू बेहतर हो चुका है। बेशक उसे जादू करना आता है, ट्वाइलाइट इसमें माहिर है, बस मैं अपने नन्हे दोस्तों को डरा हुआ नहीं देख सकती। देखो तो वो डर गए हैं। मैं वादा करती हूँ फ्लटरशाई, इन्हें कुछ नहीं होगा। ये तो शानदार है। आज के लिए बस इतना ही नन्हे दोस्तों, शायद फिर कभी दोबारा प्रैक्टिस करें अगर फ्लटरशाई इजाजत दे तो। पोनीविल आने के बाद तुम्हारा जादू बेहतर हो चुका है, प्रिंसेस सेलेस्टिया को ये पसंद आएगा। स्पाइक, जब वो सैडल अरेबिया के मेहमानों के साथ आएगी तो मैं तैयार रहना चाहती हूँ। यकीन नहीं हो रहा उन्होंने मेहमानों का दिल बनाने की जिम्मेदारी मुझे दी है। ट्वाइलाइट जल्दी चलो, एक इमरजेंसी है। बदमाश कहीं की, ये शेड सिर्फ एक्सेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कम ऑन एप्पल जैक, हमें इसे अच्छा सा पिंक कलर दिखाना होगा। यहाँ चल क्या रहा है? वेल, ये तो ट्वाइलाइट स्पार्कल है। ट्रिक्सी, वो यहाँ क्या कर रही है? तुम इसे महान और शक्तिशाली कहती हो? वाओ, वो तो रेनबो वॉबल बन गई है। अच्छा जादू था महान और शक्तिशाली ट्रिक्स। तुम दोनों चुप रहो। ये क्या हुआ? मेरे ऊपर से हट जाओ। हे, इस तरफ नहीं, उस तरफ। मेरे दोस्तों को परेशान करना बंद करो ट्रिक्सी। तुम्हारा और मेरा कुछ हिसाब बाकी है। मेरा जादू पहले से बहुत बेहतर हो गया है और मैं ये साबित करूंगी। तुम्हारे और मेरे बीच जादू का मुकाबला, जीतने वाला यहाँ रहेगा, हारने वाला पोनीविल छोड़कर जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। भूल जाओ, मैं ऐसी शर्त नहीं लगाने वाली। तुम्हारी मर्जी। ट्रिक्सी, उसे नीचे उतारो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? क्योंकि तुमने मेरी बेइज्जती की थी जब तुमने मुझे वो अर्सा माइनर दिखाया था। हर जगह मेरा मजाक उड़ाया गया। मैं जहां भी गई लोग मुझ पर हंसते थे। गुजारा करने के लिए मुझे एक रॉक फार्म पर भी काम करना पड़ा था। एक रॉक फार्म पर। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि रॉक फार्म ने तो
मुझे बदला लेना है और जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती मैं इन पर जादू चलाती रहूंगी। तो क्या ख्याल है? चलो मुकाबला करते हैं। शाबाश। अगर मैं हारी तो मैं कभी पोनीविल में कदम नहीं रखूंगी, पर अगर तुम हारी तो तुम्हें इस शहर को छोड़कर जाना होगा हमेशा के लिए। स्निप्स, स्नेल, आगे बढ़ो। क्या हुआ? ओ महान जादूगर ट्रिक्सी। उम्र बढ़ाने वाला जादू? तुम्हें उम्र बढ़ाने वाला जादू कैसे पता है? ये तो सिर्फ हाईएस्ट लेवल वाले यूनिकॉर्न्स जानते हैं ना। क्या हुआ ट्वाइलाइट, हार मान गई? Come on, Twilight, तुम ये कर सकती हो। ट्रिक्सी ही सबसे हाईएस्ट लेवल की यूनिकॉर्न है। और अब वक्त है कि तुम पोनीविल को छोड़कर चली जाओ हमेशा के लिए। बस अब बहुत हुआ ट्रिक्सी। तुमने अपनी बात साबित कर दी, पर तुम टॉयलेट को पोनीविल से बाहर नहीं भेज सकती। बेवकूफों, वो जा चुकी है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगी। तुम बस एक दूसरे का ख्याल रखना और ट्रिक्सी पर नजर रखना, वो कुछ अजीब लग रही है। ट्वाइलाइट, ये नामुमकिन है। ट्रिक्सी इतने एडवांस जादू कैसे सीख सकती है? स्पाइक के बिना मैं सैडल अरेबिया में प्रिंसेस को मैसेज भी नहीं भेज सकती। उनके अलावा कौन है जो इतने अजीब और शक्तिशाली जादू के बारे में जानता होगा? सुनकर तुम्हारे दुश्मन की कहानी मुझे लगा है बुरा। मैं समझ सकती हूँ कि उसने दिया है तुम्हें डरा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ सकोरा। मैंने अपने दोस्तों को अकेला छोड़ दिया, पर मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम होगी ताकतवर। मैं तुम्हें दिखाऊंगी रास्ता कैसे करना है उसे बाहर। तुम मुझे जादू सिखाओगी? उम्र बढ़ाने वाला जादू, मौसम का जादू, ये सब तुम सिखाओगी? जब बात आती है जादू की तो होगा कुछ बुरा, खासकर जब ट्रिक्सी ले मुझसे पंगा। तुम्हें वाकई लगता है मैं उसे हरा सकती हूँ? ठीक है, तो शुरुआत कब से करें? तुम दोनों मेरा सिंहासन जल्दी लाओ। तुम एप्पल सॉस फेशियल के लिए कितनी देर और रुकना पड़ेगा? भूल जाओ ट्रिक्सी, जब तक ट्वाइलाइट को घर नहीं आने देती मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। ठीक है ठीक है, मैं करती हूँ, बस इसे बंद करो। शायद मैं तुम्हें डांस करने को कहा था। ओह नहीं, ट्रिक्सी का बुरा जादू पोनीविल को बर्बाद कर रहा है। आओ, 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 किसी
की पोनी को हमारी मदद करनी होगी। कोई भी शोर, कोई भी आवाज, कोई भी चीख या कोई भी शरारत तुम्हारा ध्यान भंग न करे। कोई भी आहट, तुमने जो भी सीखा है भूल जाओ, बस जीत पर अपना ध्यान लगाओ। ट्रिक्सी ही सबसे हाईएस्ट लेवल की यूनिकॉर्न है। ऐसा बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें सकती हूँ सिखा, पर तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं सकती दिखा। माफ करना ज़ेकोरा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पर मैं ट्रिक्सी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। इस बार कुछ तो अलग था उसमें, ऐसा लग रहा है जैसे वो घमंडी और ताकतवर के साथ साथ मतलबी और बुरी हो गई है। तुम्हें अपनी सोच को पड़ेगा बदलना और पूरा ध्यान होगा एक जगह लगाना। मुझे इस मुश्किल का कोई हल नजर नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ पिंकी, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो बता सके कि ट्रिक्सी कैसे जादू कर रही है। कुछ तो जरूर होगा, ट्वाइलाइट के पास जादू की सारी किताबें हैं। शायद मुझे कुछ मिला है। हाँ, अब वक्त आ गया है ट्रिक्सी के पोनीविल में अपने भविष्य के बारे में सोचने का। ये ट्रिक्सी के जादू से काफी मिलता जुलता है। वो चाहती है मैं बिना छिलके के एप्पल्स उगाऊं। अब तुम ही बताओ मैं ये कैसे करूं? यहाँ उस नेकलेस की तस्वीर भी है जो ट्रिक्सी पहनती है। इसका नाम है ताबीज और इसे पहनने से बेहिसाब ताकत मिलती है। हे दोस्तों, ये देखो, यहाँ नेकलेस की तस्वीर है जो पिक्सी पहनती है। इसका नाम है एलिकॉन एम्यूलेट और जो इसे पहनता है उसे बेहिसाब ताकत मिलती है। अगर तुम थोड़ा आगे पढ़ो तो, हालांकि ये बहुत ताकत देता है, ये इस्तेमाल करने वाले को भी बुरा बना देता है। हाँ, पर हम बस ऐसे ही एलिकॉन एम्यूलेट को उसके गले से नहीं उतार सकते। उस पर जादुई लॉक लगा है, ट्रिक्सी ही उसे खोल सकती है। शायद हमें ट्वाइलाइट तक ये जानकारी पहुँचानी होगी, उसे पता होगा आगे क्या करना कैसे? है। अगर हम में से किसी ने भी जाने की कोशिश की, ट्रिक्सी का जादुई फोर्स फील्ड उसे बता देगा। शायद हमें, मैं बताती हूँ, छुपकर फोर्स फील्ड के उस तरफ किसी की मदद लिए बिना जाना मुमकिन नहीं, पर मैं जानती हूँ कौन आसानी से जंगल में जा सकता है। और वो फ्लटरशाई। क्या कहती हो फ्लटरशाई, क्या तुम ये मिशन संभाल लोगी? नहीं, मैं इतना प्रेशर नहीं झेल पाऊंगी, मुझे डर लगता है। परफेक्ट, फ्लटरशाई चुपके से पोनीविल से बाहर निकलकर ट्वाइलाइट को ढूंढेगी। मेरे पास इस खतरनाक मिशन के आउटफिट के लिए बिल्कुल सही डिजाइन है। जोर लगा के जो बेवकूफ हो। किसी पुनी ने मेरा जादुई फोर्स फील्ड तोड़ा है और ट्रिक्सी उसे सजा देगी। पर तुम्हें लगता नहीं कि हम और तेज चलते अगर इसमें पहिए होते? महान और शक्तिशाली ट्रिक्सी को पहियों पर भरोसा नहीं है, अब जोर लगा कर खींचो। तुम सब बता रहा हूँ, ये और भी ज्यादा अजीब होती जा रही है। रुको, हे, तुम लोग क्या कर रहे हो वहाँ पर? ये हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही है? मुझे वो दिन याद आते हैं जब ये सिर्फ धोखेबाज हुआ करती थी। ओह डियर, रैरिटी का मिशन वाला आउटफिट बर्बाद हो गया, हमें वापस चलना चाहिए। ओके, तुम सही कह रहे हो, मुझे बहादुर बन के ट्वाइलाइट को ढूंढना होगा। ओह, तुमने उसे ढूंढ लिया? वो एवरफ्री फॉरेस्ट में है? ओह, पर मैं तो बस बहादुर बन रही थी, मैं घर पर ही बहादुर बनना चाहती हूँ अपने टेडी बेयर के साथ। यकीन नहीं हो रहा, मैंने एलिकॉन ताबीज को नहीं पहचाना। वो जितना इस्तेमाल करेगी उतनी ही बुरी बनती जाएगी। पर मैं उस ताबीज को कैसे हरा सकती हूँ, मेरा जादू इतना ताकतवर नहीं है। ट्वाइलाइट स्पार्कल, तुमने की है बहुत मेहनत, सीख लिए है मेरे सारे लेसन छोड़कर सिर्फ एक।
अगर ट्रिक्सी की ट्रिक्स ने कर दिया है तुम्हारा बुरा हाल, तो तुम्हें अपने जादू के साथ साथ करना होगा 6 का इस्तेमाल। जादू के साथ साथ करना होगा 6 का इस्तेमाल। जादू के साथ साथ करना होगा 6 का इस्तेमाल। 6 का इस्तेमाल। समझ गई ज़ैकोरा, तुम जीनियस हो। अब तुम्हें वापस पोनीविल के अंदर पहुंचाना होगा फ्लटरशाय। बेहतर होगा फिर से कोई झूठा अलार्म ना निकले, नहीं तो महान और शक्तिशाली ट्रिक्सी तुम? क्या बात है ट्वाइलाइट स्पार्कल, तुम्हें पोनीविल छोड़कर मजा नहीं आ रहा है? मैं एलिकॉन ताबीज के बारे में जान गई हूँ। मैं जानती हूँ तुमने चीटिंग की। चीटिंग? मैंने? हाँ, और मैंने सोचा शायद तुम देखना चाहो असली जादुई ताबीज कैसी होती है। ज़ैकोरा ने मुझे ये दिया है। ये एवर फ्री फॉरेस्ट के उस पार से आया है और ये तुम्हारे बेकार एलिकॉन ताबीज से कहीं ज्यादा ताकतवर है, समझी? हाँ, एलिकॉन एमुलेट से ज्यादा ताकतवर और कुछ भी नहीं है, और कोई भी पोनी महान और शक्तिशाली ट्रिक्सी से ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो क्या तुम अपने ताबीज की ताकत दिखाने के लिए तैयार हो? एक और मुकाबले के बारे में क्या ख्याल है? मैं क्यों मुकाबला करूं? मैंने तुम्हें पहले ही हरा दिया जैसे है। तुम्हारी मर्जी, पर इसका मतलब ये हुआ ट्रिक्सी कि तुम एवरफ्री फॉरेस्ट के उस पार का जादू कभी नहीं देख पाओगी। चलो ज़ैकोरा। रुको, ठीक है मैं तैयार हूँ, हो जाए मुकाबला। शुरुआत एक आसान उम्र वाले जादू से करते हैं, ठीक है? ठीक है। स्निप्स स्नेल्स। पुराना पर बहुत काम का। अब चलो देखते हैं कि तुम्हारा नन्हा चाम क्या कर सकता है। नो प्रॉब्लम। एप्पल जैक, रेरिटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ। जादू करना सीख गई हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो नामुमकिन है। यह तो कुछ भी नहीं था। ये तुमने कैसे? डुप्लीकेशन जादू। क्या कभी किसी पोनी को 10 इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए देखा है? ये नहीं हो सकता। एक और, मैं घोड़ी को घोड़े में बदल सकती हूँ। ट्रिक्सी, लगता है मेरा ताबीज तुम्हारे वाले से कई ज्यादा ताकतवर है। हे, वो मुझे वापस करो। इस एमुलेट की मदद से अब मैं पूरे एक्वेस्ट्रिया पर राज करूंगी। देखो मेरे गुलामों, देखो और भी ज्यादा महान और शक्तिशाली ट्रिक्सी को। मुझे ये पुराना एलिकॉन एमुलेट नहीं चाहिए, मेरे पास है ये। बस करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। गुदगुदी? पर तुम्हें तो दर्द से छटपटाना चाहिए था। ये एमुलेट खराब है, मेरा एमुलेट वापस दो। माफ करना, ये वही वापस जा रहा है जहाँ इसे होना चाहिए। वैसे ट्रिक्सी, तुम्हारे गले में जो ताबीज है वो ज़ैकोरा का डोर स्टॉप है। पर तुमने वो सारे जादू कैसे किए? कोई भी पोनी वो जादू नहीं कर सकती। तुम सही कह रही हो, मैं भी नहीं कर सकती। जब मैं बाहर थी तब ज़ैकोरा ने मुझे जादू के बारे में बहुत कुछ सिखाया। उसने मुझे ये भी सिखाया कि कब मुझे जादू का इस्तेमाल नहीं करना है। मेरा जादू एलिकॉन ताबीज का मुकाबला करने जितना ताकतवर नहीं था, इसलिए मुझे एक दूसरी तरह के जादू का इस्तेमाल करना पड़ा, दोस्ती के जादू का।
और मैं ये भी जानती थी कि अगर कोई पोनी तुम्हारे गले से ताबीज उतार सकती है तो वो तुम खुद। पर वो 10 इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाली पोनी वो जादू नहीं था, वो तो बस पिंकी पाई थी। ये वाह! उहो! ये! ये तो कुछ भी नहीं है। एलिकॉन एमुलेट पहनने के बाद मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं बस खुद पर काबू नहीं कर पाई। तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। जरूर। अच्छा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि महान और माफी मांगती हुई ट्रिक्सी अब तक की सबसे अच्छी और लाजवाब पोनी है? हाँ?